हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पिंच ऑफ फ्लेवर्स। ये देखिए, आज हम लेके आए हैं फ्राइड चिकन सैंडविच। किसी भी कैफे, जॉइंट या मॉल्स, फाइव स्टार रेस्टोरेंट में जिस तरीके से मिलता है जूसी चिकन फ्राई सैंडविच, उसी तरीके से बनाया है। किसी भी हिसाब से कम नहीं है, बहुत ही टेस्टी है। तो चलिए आज कुछ अच्छा बना लेते हैं। चलिए, ब्रेड स्लाइसेस मैंने यहाँ लिया है, थोड़ा सा साइड से हम काट लेंगे ताकि हमारा जो सैंडविच का साइज है वो बहुत सुंदर दिखे। तो ये देखिए, थोड़ा सा मैंने काट लिया। इसके ऊपर एक के ऊपर एक रख के हम सारे के सारे स्लाइसेस इस तरीके से एक कट कर लेंगे। सारी की सारी चीज़ें इजीली अवेलेबल हो जाती है, खाली चिकन की आपको ज़रूरत पड़ेगी इसमें। बाकी सारा सामान आपके किचन में ऑलरेडी रहता है। इस तरीके से देखिए, सारे के सारे स्लाइसेस मैंने काट लिए। अब थोड़े से यहाँ पे दो ऑनियन मैंने यहाँ पे लिए थे, राउंड राउंड करके इन्हें थिन स्लाइस कर लिया है। नमक डाला, विनेगर 1 टेबल स्पून डाला। इसे अच्छे से हम मैरिनेट करके रख देंगे। ये देखिए, मैंने नमक और विनेगर के साथ में इसे मैरिनेट करके 15 से 20 मिनट तक के लिए हम इसे रेस्ट करने देंगे। आपके पास कोई सा भी कैप्सिकम हो, उसे जूलियन में काट लीजिए। मैंने यहाँ ग्रीन कैप्सिकम लिया है। अब फ्राइड चिकन सैंडविच है तो बोनलेस चिकन लिया है। थाइस के पीसेस लीजिएगा, 300 ग्राम यहाँ पे मैंने लिया है। अब एक बाउल लेंगे, उसमें 1 टेबल स्पून सॉल्ट डालेंगे, ब्लैक पेपर पाउडर 1 टेबल स्पून, कॉर्नफ्लोर चाहिए 1/2 कप, ऑल पर्पज फ्लोर मैदा 1 कप चाहिए। अब अच्छे से मिक्स कर लीजिए थोड़ा। चलिए, अब एक एग ले लिया है। अब थोड़ा थोड़ा करके हम स्लोली इसमें वाटर ऐड करेंगे। फ्रेंड्स, याद रखना धीरे धीरे करके वाटर ऐड करते रहिए ताकि कोई भी लम्स फॉर्म ना हो। इसे अच्छे से फेटिए, अच्छे से मिक्स कीजिए ताकि पूरा का पूरा एकदम स्मूथ हो जाए। अब वेजिटेबल ऑयल, कोई सा भी ऑयल ले लीजिए, 2 टेबल स्पून इसमें मिला लीजिए। ये देखिए, इस तरीके से एक थिक बैटर आएगा, लेकिन पोरिंग कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। अब फटाफट जो चिकन क्यूब्स थे उन्हें जल्दी जल्दी इसके अंदर डाल दीजिए और अच्छे से कंबाइन कर दीजिए। फ्रेंड्स, अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक भी कीजिएगा, कमेंट भी कीजिएगा एंड बेल बटन प्रेस करना मत भूलिएगा। ज़रूर 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 प्रेस कर लीजिएगा। अब चलिए, सेलोफिन पेपर से हम इसे कवर कर देंगे, ढक के फ्रिज में हम 2 घंटे के लिए इसे छोड़ देंगे, रेस्ट होने दीजिए। फ्रेंड्स, चलिए अब सॉस बनाते हैं। मस्टर्ड सॉस लिया है यहाँ पे मैंने 3 टेबल स्पून। सॉस आप चिकन सैंडविच या बर्गर के लिए कोई भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने यहाँ टोमेटो केचप मिक्स कर लिया है, आप चाहिए तो मेयोनेज़ मिक्स कर लीजिए। किसी भी सॉस से आप बना सकते हैं, मैंने अपने तरीके से बनाया है। ये देखिए, इस तरीके से मैंने मिक्स कर लिया है, बहुत अच्छे से एक मस्टर्ड एंड टोमेटो केचप मिल गया। वीवा का मैंने बर्गर मेयोनेज़ भी मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ, बहुत ही टेस्टी होता है, आप देख लीजिएगा। कोई भी ग्रीन ऑलिव्स लिए मैंने यहाँ पे। ये देखिए, रेस्ट होने के बाद मैंने चिकन को निकाल लिया है, 2 घंटे अच्छे से ये मैरिनेट हो चुका है। तो चलिए, अब एक पैन गरम करते हैं मीडियम फ्लेम पे। ऑयल रखेंगे हम डीप फ्राइंग के लिए। जैसे ही तेल थोड़ा सा गरम हो जाता है, अब इसे मीडियम फ्लेम पे, ये देखिए, चिकन के पीसेस में एक राउंड पैटी, जो शेप होता है ना बर्गर पैटी शेप, उस तरीके से राउंड करके कुछ क्यूब्स मैंने यहाँ पे डाले हैं। ये देखिए, ये हम इसे अब पलट देंगे तो ये क्या होगा, इससे चिकन क्यूब साथ में स्टिक कर जाएंगे और एक बर्गर पैटी का, हमें चिकन बर्गर पैटी का शेप भी मिल जाएगा। ये देखिए, दूसरा भी मैंने फ्राई करने के लिए डाल दिया है। अच्छे से चिकन को मीडियम फ्लेम पे 5 मिनट तक कुक होने दीजिए, बोथ साइड्स गोल्डन ब्राउन हो जाने चाहिए अच्छे से। और ये ट्रस्ट मी फ्रेंड, बहुत ही जूसी होते हैं, थोड़े क्रिस्पी भी होते हैं, बहुत बढ़िया स्वाद आने वाला है हमारे सैंडविचेस में। आहा, ये देखिए निकल गई। इसे तो हम लोग ऐसे भी खा सकते हैं सॉस के साथ, लेकिन वेट कर जाते हैं चिकन सैंडविच बनाएंगे। ये देखिए, सारे के सारे मैंने यहाँ पे चिकन बर्गर पैटी इस तरीके से बना लिया है। अब चलिए, ब्रेड को हमें ग्रिल करना है तो एक ग्रिल पैन लेंगे। आप कोई भी तवा में भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि ग्रिल, इससे अच्छा ग्रिल मार्क आता है इसलिए मैंने यहाँ पे डाला है। इस तरीके से ब्रेड के स्लाइसेस को मैंने ग्रिल मार्क दे दिए इस तरीके से ऑयल के साथ। ये देखिए, बटर भी यूज़ कर सकते हैं, आपकी मर्जी। चलिए, अब अपने 5-स्टार सैंडविच को बढ़िया मज़ेदार शेप एंड टेक्सचर एंड क्या बोलते हैं फ्लेवर्स देते हैं। तो एक ब्रेड स्लाइस लिया, उसके ऊपर मैंने बर्गर मेयोनीज डाला है, आप अपने हिसाब से डालिए कुछ भी। ये देखिए, इस तरीके से अप्लाई कर दिया है मैंने।
अच्छा, अब डाल देंगे अपना फ्राइड चिकन पैटी जो हमने बनाया है क्यूब्स के साथ। अब डालेंगे एक चीज स्लाइस, आप कुछ भी लीजिए, जिरा चीज भी ले सकते हैं। अब डालेंगे ऑनियन स्लाइसेस। अब हम डालेंगे इसके ऊपर अपना कैप्सिकम जूलियन जो हमने काटा था, आप इस टाइम पे ऑलिव भी यूज कर सकते हैं। ओके, अब बर्गर मेयोनीज और थोड़ा सा हम इसके ऊपर डालेंगे ताकि सॉस का फ्लेवर्स आए हमारे बर्गर में अच्छी तरीके से। अब हमने जो मस्टर्ड सॉस तैयार किया था केचप के साथ, वो मैंने यहाँ अप्लाई कर दिया है। अब दूसरा पीस लेके मैंने टोमेटो केचप उसके ऊपर स्प्रेड कर दिया, ये देखिए। अब इसके ऊपर हम इस तरीके से प्लेस कर देंगे थोड़े से साइड में फ्राइज, एक्चुअली फ्रेंच फ्राइज बना लिया था, ये देखिए। वाओ फ्रेंड्स, रेसिपी पसंद आई हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा पिंच ऑफ फ्लेवर्स को, एंड बेल बटन प्रेस करना मत भूलिएगा, इससे मेरी सारी नोटिफिकेशन आपको सबसे मिलेंगी। होप आपको ये सैंडविच पसंद आई होगी। थैंक यू फ्रेंड्स।